नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ सालों में ध्यान करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान करने वाले लोगों की संख्या इसलिए काफ़ी बढ़ी है क्योंकि वास्तव में ही ध्यान करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं। ध्यान या मेडिटेशन अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रह गया, अभी तो ये संपूर्ण जगत पूरे विश्व में किया जाने लगा है। यूँ तो आप ध्यान को किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, किसी भी पद्धति से कर सकते हैं, आप ध्यान को किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ से मनवांछित फल पाने के लिए उसको सिद्ध करना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, हमें उसकी सिद्धि प्राप्त करनी जरूर होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसन के बारे में बताऊंगा, जिस आसन को आप ध्यान करने से पूर्व या ध्यान करने के बाद भी कर सकते हैं। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सब लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो बनाने का। तो आज मैं आप लोगों को जिस आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है सिद्धासन। हाँ दोस्तों, उस आसन का नाम है सिद्धासन आसन। अगर आप इस आसन को करते हैं तो यह आपके ध्यान को और मजबूत करेगा एवं आपकी जागृत होती हुई शक्तियों को बनाए रखेगा। योग में इस आसन को सर्वोपरि माना गया है एवं सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है। इस आसन को करने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, हमारे अंदर की ऊर्जा एवं चेतना का विकास होता है। आप इस आसन को कहीं भी कर सकते हैं एवं कभी भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो से संबंधित कोई भी बात अगर यदि आप जानना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय को कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।